तहसील में आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार एवं 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा लेखपालों को दिए जा रहे संसाधनों की कमी के चलते कार्य करने में असावधानी होने पर धरना दिया गया है। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। लेकिन हर कर्मचारी को रखरखाव के लिए पैसा जारी किया जाता है, लेखपाल के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अभी मैं मुकदमे एक हाईकोर्ट की मुकदमे तहसील मंत्री हूँ मैं लेखपाल संगठन का, और हमारी मुख्य रूप से 5 मांगे हैं। जैसे एक चपरासी को जो वेतन 10 साल बाद मिलता है, वैसे ही हम गढ़गढ़ में सिलेक्शन होने के बाद भी 10 साल बाद हमें वही वेतन मिलता है। ये समस्या है, समान सेवा पर वेतन विसंगति की समस्या है, और ई डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए सरकार ने हमें थोप दिया है, हम उसे कर रहे हैं, लेकिन ना तो लैपटॉप है, ना प्रिंटर है, ना नेट है, कोई व्यवस्था नहीं दी। अभी तक कैसे काम चलाते थे? अभी तक हम अपने संसाधनों से व्यक्तिगत पैसा खर्च करके व्यक्तिगत तरीके से इधर उधर भटक करके कहीं प्राइवेट कैफे पे जाके सेंड करते हैं, और इस काम को हमने आज 17/10/2017 से बहिष्कार कर दिया है इस काम का। इसमें पब्लिक को प्रॉब्लम होगी, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तो हमारी मजबूरी है, व्यवस्था है कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ सर कितने लेखपाल अभी उपस्थित हैं? 100% लेखपाल उपस्थित हैं, हमारे यहाँ 48 की स्ट्रेंथ है, सभी लोग उपस्थित हैं।